News, Entertainment and Infotainment, Web Series Documentary, Pakistan ka sabse bada Web TV, Fez Network, Fez, sab ke liye. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फैस टीवी नेटवर्क पर। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर इंसाफ में ताखीर हो जाए तो इंसाफ ख़त्म हो जाता है या वो नहीं मिलता, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इंसाफ वक्त पे नहीं किया जाए तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोग सफ़र करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा ही कुछ निज़ाम चल रहा है, सदियों सालों चलते रहते हैं केसेस अदालतों में, लोग धक्के खाते रहते हैं वकीलों के पीछे, जजेस के पीछे, उनको इंसाफ नहीं मिलता। इसी हवाले से बातचीत करूंगी मैं रियाज साहब से, वो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी रियाज साहब, आज हम इंसाफ के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है अदल का, वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, दकियानूसी है, बिल्कुल सही नहीं है। बहुत ज़रूरत है कि इसको बेहतर किया जाए, इस निज़ाम को। जी देखिए, यहाँ तो मैं पहले बात शुरू ही आपसे इख्तलाफ से करूँगा, ये ना निज़ाम इंसाफ है ना निज़ाम अदल है, ये निज़ाम फैसला है, ये फैसलों का निज़ाम है। सही। मैं अपनी बात को थोड़ी वजाहत करने आपको एक बहुत हमारे बहुत काबिल एहतराम मोहतरम और बाइज़त साबिक जस्टिस थे, जस्टिस एम आर कियानी, जो अपनी दयानत के लिए भी बहुत मशहूर है। तो उन्होंने अपनी किताब अफकार परेशान में लिखा है कि जब वो सेशन जज थे तो उनके पास एक मुकदमा आया एक साइल का। अच्छा, वो टाइम बार्ड हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि जायदुल मियाद हो गया है, तो उसे खारिज कर दिया। अच्छा। जो साइल जो खड़ा था वो गुस्से में आ गया, उसने कहा ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ कि आप मुझे मेरा मुकदमा खारिज कर रहे हैं। तो जस्टिस कियानी लिखते हैं कि मैंने उसे डांट दिया, बहुत मैं भी गुस्से में आया, वो चला गया। लेकिन फिर मैं उसके बाद बहुत देर तक सोचता रहा, और मैं सोचता रहा कि हम तो अदालतों में बैठकर सिर्फ फैसले कर रहे हैं, इंसाफ तो अल्लाह की ज़ात ही करेगी। तो हमारी अदालतों में जो हो रहा है ये निज़ाम इंसाफ है ना निज़ाम अदल, बल्कि निज़ाम फैसला है। इसलिए कि ये फैसले भी जज भी हजरात भी जकड़े हुए हैं बहुत सारी पाबंदियों में, मसलन कानून शहादत, गवाही, जाप्ते फौजदारी, जाप्ते दीवानी। अब जब तक कि इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको सामने रखकर उसे फैसला करते हैं, वो इंसाफ नहीं कर सकते। मसलन एक आदमी दिन दहाड़े कत्ल करता है बाजार में, खुले बाजार में, और चाकू लहराता हुआ चला जाता है, उसको पुलिस पकड़ भी लेती है। अब खराबी यहाँ से शुरू होती है, अगर वो बासर है, पैसे वाला है, तो पहले तो केस ही वो कमज़ोर बनाती है, इस्तेखासा ही कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल। अब वो जब अदालत में जाता है तो अब मजबूर है जज के ज़ाब्ते फौजदारी के तहत और कानून शहादत के तहत कि कोई गवाही दे गवाह उसको। कोई गवाह नहीं आता डर से, खौफ से। सही। अब उसके बाद क्या करेगा जज? जानते भी कुछ नहीं, वो तो उसमें बंधा हुआ है, वो अपनी तरफ से ये नहीं कन्विंस हो सकता कि हाँ इसने कत्ल किया। अब जब फैसला दे देता है सॉरी, तो वही मुलजिम जिसने 100 आदमी के सामने कत्ल किया था, बड़े आराम से जज सीना तान कर अदालत से बाहर निकलता है, वी का निशान बनाता है और अपने साथियों के हमरा जाता है, और फिर कुछ अरसे बाद फिर रिप्ले करता है उसी वाकई, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो आप देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े हादसात हुए हैं, बड़े लोगों ने भी किए हैं, छोटे लोग भी करते हैं जी। लेकिन क्या होता है, या तो वो पैसे की वजह से लेन देन करके, वरना मोस्टली केसेस जो जितने भी खारिज होते हैं उसमें गवाही का ना होना है, गवाह नहीं आता। कमजोर जो है उसको बना के पहले तो पुलिस कमजोर बनाती है। सही। और हम उसको ज्यादा नहीं कहेंगे, पुलिस को रिश्वत का नाम नहीं देंगे, चलिए उनकी मजबूरियाँ होती हैं, बवजह केस कमजोर कर देते हैं वो, अगर जो मुलजिम है वो ताकतवर है और पैसे वाला है। अब अदालत जो होती है वो तो वाकयात, शवाहिद और इस्तेकाज़े को देखकर फैसला करती है। बिल्कुल। तो ये अदल तो यहाँ हो ही नहीं सकता। और फिर वो हमारे वकला हजरात भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको पता होता है, उनके पास इतनी अखलाकियात नहीं है, क्योंकि उससे एक तो मुलजिम कन्फेस करता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी को कन्फेस करते हैं, उसको पता होता है कि कातिल है, इसने एक बेगुनाह को कत्ल किया है।
ठीक है, वकला का तो काम यहाँ पे सिर्फ ये रह गया है कि उन्होंने जो भी उसके उनके पास आया है उसे फीस लेनी है, उसका केस लड़ना है। ठीक है, अब ये जानते हुए भी कि वो बेशक गलत है तो वो झूठा केस लड़ेंगे, उसको किसी ना किसी तरीके से इनोसेंट साबित करना उनका काम है क्योंकि वो फीस ही इस बात की ले रहे हैं। वो तो बड़े बड़े आपने देखे वगैरह और इन सब चीजों को तो आप साइड पे रख दें, बड़े बड़े पैसा है, दहशत गर्दों को उन्होंने रिहा करवाया जी, बिल्कुल, और इसको अपनी लियाकत या काबिलियत बताते हैं, नहीं जमीर नाम शर्म। अच्छा, अब जब आप एक दहशत गर्द को रिहा करवाएंगे जिसने 100 लोगों को कत्ल किया है, बम फाड़ के किया है या किसी और वजह से, तो हौसला अफजाई होगी। अब इसीलिए एक शायर ने कहा है बहुत वकला के साथ माजरत के साथ कि ऐसा ना हम पर भी हमला कर दें यहाँ आकर, कि शायर ने कहा है कि पैदा हुआ वकील, अब तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो ये वकील भी केस कमज़ोर करते हैं, इवन ऐसा भी हुआ है कि वकील आपस में मिलकर भी केस कमज़ोर करते हैं, आपस में भी डीलिंग हो जाती है। और अभी आपको याद होगा अभी 1.5-2 साल पहले का वाकया है, दो भाई देही इलाके के थे, उनको सजाए मौत हो गई, उन्होंने अपील की, अपील खारिज हो गई, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद वो उनके जो रसा थे इसी दौरान उनकी अपील हाई कोर्ट में पड़ी हुई थी और नीचे ही नीचे जब तक वो अपील का फैसला होता उससे पहले ही चूँकि मुद्दत हो गई तो उसको फांसी दे दी गई। हाई कोर्ट ने दोनों को बेगुनाह करार देकर रहा करने का हुक्म दिया जबकि वो फांसी चढ़ चुके थे। तो अब आप ये बताइए कि कहाँ गलती हुई, नीचे वाले ने भी अगर फैसला किया फांसी का तो कुछ शवाहिद की बिना पर, इस्तकाज़ा की बिना पर किया होगा, और हाई कोर्ट ने उनको ही यानी सेम केस में सेम इल्ज़ाम में और बरी कर दी। अच्छा, इसी तरह का मिलता जुलता एक और केस भी आया था जिसमें कि मुल्ज़िम 18 साल जेल में रहा, ठीक है, और 18 साल के बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसे बहुत जिंदगी के 18 साल तो वो चले गए, बहुत है, पूरी जवानी जो है वो जेल में गुजार दी, वहाँ की सोहबतें सही, अब वो दोबारा जब बाहर आया जेल में तो उनका हिसाब कौन देगा इतने सालों का। ऐसे बहुत हैं, ये तो देखिए बहुत छोटे से जुर्म में पकड़े जाते हैं जिनकी सज़ा अगर फौरी तौर से फैसला हो या अदल हो तो 6 महीने 1 साल 2 साल सजा जी, लेकिन उनके 10-10 साल तक केस पड़े रहते हैं। और मैंने शुरू में कहा था कि अगर इंसाफ जो है उसको मिलने में देर हो जाए तो इसका मतलब वो इंसाफ कभी आपको वो मिलेगा नहीं, अगर फैसले होने में इतना वक्त लगेगा तो वो फैसले कभी भी सही नहीं होंगे, और अगर सही होंगे भी तो फिर उनका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, उनकी कोई वक़्त रहेगी नहीं उस फैसले। इसीलिए लोगों का एतबार उठ गया है, और मैंने इसीलिए आपकी बात को रद्द किया था कि इसे आप बार बार निज़ाम इंसाफ या निज़ाम अदल ना कहें, ये निज़ाम फैसला है, अल्फाज तो बस फैसले हो रहे हैं। अगर अदल कहें तो ये अदल, हम खुद एक लेमैन होते हुए भी हम देख लेते हैं, हमें पता होता है कि जो है ये मुल्ज़िम है या मुजरिम है, लेकिन आप देखिए वो बड़े मज़े से छूटते हैं। और वैसे बहुत सारे केसेस हुए हैं हमारे कराची में हुए हैं, और वी बनाते हुए इतने फ़ख्र से बाहर आते हैं, फिर जेलों में जो उनके साथ शाहाना सलूक होता है वो एक सबल। तो देखिए जब निज़ाम गल सड़ जाए ना, जब निज़ाम ही गल सड़ जाए तो उसमें आप हर जगह पर आपको ख़राबियाँ नज़र आएंगी, और इंसाफ या अदल जो है वो तो बुनियादी अहमियत रखता है किसी भी माशरे में, क्योंकि वही प्रमोट करता है, अगर इंसाफ अगर हो जल्दी हो तो फिर बेइंसाफी खत्म हो सकती है, जुल्म ख़त्म हो सकता है। और जब आप किसी देखिए मुजरिम को जब ये पता होगा कि मैंने जुर्म करना है, ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ पैसे खिला देने हैं, कहीं से सिफारिश लगानी, कुछ ना कुछ करके मैंने निकल आना है थोड़े से बाद, तो वो तो जुर्म करता रहेगा, वो अपना जुर्म करना तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको तो वो इनकरेजमेंट मिलती रहती है, उसे पता है कि सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पर किसने पकड़े जाना है। वो लोग जो कि अक्सर बेगुनाह लोग वो पकड़े जाते हैं, या फिर वो लोग जो कमज़ोर होते हैं जिनका इतना कोई कसूर नहीं होता वो फंस जाते हैं, और जो असल कसूरवार हैं वो ऐसा अपना सिस्टम बना के चलते हैं कि उनको कोई पकड़ नहीं पाता, उन्हें कोई सज़ा नहीं होती। सो ये तो बहुत एक तकलीफ़ दे बात है, और इस निज़ाम को, इस सिस्टम को बदलने की, सही होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ लॉज आज तक वो बने हुए जो अंग्रेज़ बना के गए थे, उन लॉज में कुछ भी चेंजेस नहीं लाई गई, वक्त बदल चुका है, हमारी सोसाइटी बदल चुकी है, उन लॉज को चेंज होने की भी ज़रूरत है, और जब लॉज बनते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको फॉलो कराया जाना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कानून बन गया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, या इम्प्लीमेंट अगर कर भी दिया गया है और लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे तो उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। सो रिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, और दुआ करती हूँ कि हमारे यहाँ भी निज़ाम जो है वो बेहतर होगा,
हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, जितने भी लॉस हम देखते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको फॉलो करें, क्योंकि अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो हम भी मुजरिम हैं। एक ब्रेक लेती हूँ, यहाँ पर ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अपना पाकिस्तान।